मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से। जिला अंतर्गत पाली तहसील क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तत्वाधान में राजस्व सेवा अभियान चला। आमजनों को राहत देने का कार्य कर रही सरकार आज उसी तारतम्य में पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सुंदर दादर में राजस्व सेवा अभियान के तहत कृषकों एवं आमजनों को राजस्व संबंधित निराकरण कार्यक्रम के आयोजन की तिथि सुनिश्चित की गई है, जिसमें राजस्व के अधिकारियों सहित हल्का पटवारी और पंचायत सचिव की उपस्थिति अनिवार्य थी। परंतु इन दिनों संबंधित कर्मचारी के उदासीन रवैये से उपस्थित आमजन एवं किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की योजना से वंचित रखा जा रहा है, साथ ही निराशा हाथ लग रही है। जब इस विषय में सरपंच से जानकारी ली गई तब उन्होंने बताया कि राजस्व सेवा के शिविर का आयोजन होना था, जिसमें समय और दिनांक निश्चित कर ग्रामीणों को जानकारी के लिए मुनादी एवं दीवार लेखन कराना था, जिससे आमजन को पता रहे और वह पहुँच कर लाभ ले लें। नामांकन बंटवारा, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र, विवादित प्रकरणों का निराकरण करना, आपदा से पीड़ितों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास, सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पाली तहसील अंतर्गत सुंदर दादर पंचायत के लिए तय किया गया था, जिससे सभी पंचायत जनप्रतिनिधि, सरपंच अनीता सिंह, साथ ही उप सरपंच लालमंद, कुछ पंच गण के साथ लोग पंचायत आए थे और दर्जनों ग्रामीण भी पहुंचे, लेकिन न सचिव का पता न राजस्व के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी का, इसलिए गांव के लोग खाली हाथ लौट कर जा रहे हैं। अनीता सिंह ने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं कि ग्रामीण अपना काम छोड़कर इस अभियान का हिस्सा बनने, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन देने पहुंचे थे, लेकिन सचिव एवं राजस्व के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण वापस जाना पड़ा और कार्यक्रम स्थगित किया गया। इसकी सूचना दिए बिना ही लोग अनुपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित पंचायत सरपंच अनीता सिंह, उप सरपंच लालमंद, पंचगढ़ एवं लगभग 2 दर्जन ग्रामीण उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट। आपका कहां से आए हैं? बच्चू सिंह सुंदर दादा से। ग्राम पंचायत का नाम सुंदर दादा। यहां किस काम के लिए आए थे आप? ये अपने फौती निमंत्रण कटवाने के लिए। तो आपको इसकी सूचना मिली थी कि यहां आज ये काम होगा? हां, सूचना मिला है। तो यहाँ पे अधिकारी उपस्थित हैं जो ये सब काम करेंगे? अधिकारी कर्मचारी जो नहीं है? तो पटवारी साहब आज नहीं आए? नहीं है। सचिव महोदय? वो भी नहीं है। तो फिर आपका काम आज हो पाएगा? ना हो पाएगा। जब अधिकारी नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा? और कितनी जनता आई होगी लगभग ग्राम पंचायत से? अभी है 15-20 आदमी। अब आप लोग लौट जाओगे? हाँ, अब लौट जाएंगे, काम नहीं होगा तो लौट जाएंगे। कितना टाइम होता होगा लगभग? अभी 11-2 बजे। कितना टाइम होगा? 2 बजे। चलिए, अब आप मतलब आपका काम आज नहीं हो पाया तो आप बड़े अधिकारियों से क्या निवेदन करेंगे कि जो नहीं आए हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? इनका कार्रवाई का किया जाए? इनका मान लो अब नहीं है तो भाई अब उनका कुछ कार्रवाई किया जाए कि इनको अब नहीं रखना है, यहाँ निकालो, काम ही नहीं होता है तो है? क्या नाम है, यहाँ पे किस पद पे हैं आप? मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं सरपंच पद पे नियुक्त हुई हूँ। आज यहाँ पे क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? यहाँ पर राजस्व से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया था जो कि यहाँ पास अभी नहीं हो पाया है। इसमें किन किन अधिकारी एवं कर्मचारियों को आना सुनिश्चित किया गया था? इन यहाँ पर तहसीलदार मैडम और पटवारी मैडम को आना था जो कि नहीं आए हैं। सचिव भी यहाँ पास नहीं आ पाए हैं। सचिव महोदय कहाँ? नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं मिली इस बारे में। ग्रामीण भी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं, क्या ग्रामीणों को इसकी सूचना थी पहले से? हाँ थी। क्या किस प्रकार से सूचना दी गई थी? मुनादी करवाई गई थी या कहीं दीवार लेखन किया गया था? दीवार में लेखन किया गया था और बताया भी गया था मुहाखर कि 2 तारीख को राजस्व विभाग से शिविर है, जो भी आपका जैसे जाति बनवाना हो या तो फिर फौती नामांतरण करना हो और जो भी राजस्व से संबंधित है वो सब आपके यहाँ काम होगा। अभी कितने आवेदन आपको प्राप्त हुए इन सब कामों के? अभी तो आवेदन आए हैं जाति के 5 आवेदन आए हैं। तो ये आवेदन कौन ले रहा है? उप सरपंच साहब ले रहे हैं। चलिए, और ग्रामीण की संख्या यहाँ पे कम दिख रही है तो इनका काम, जैसे आज दूर दूर से कुछ लोग पहुँच गए, 2-4-5 लोग पहुँचे हैं,
तो इनका काम कौन करेगा ये सब? हम लोग ले रहे हैं प्रस्ताव जो भी दे रहे हैं, फिर अब तो आ नहीं पाए हैं, तब क्या बताएं, फिर उन तक पहुंचाएंगे जो भी है तहसीलदार मैडम, पटवारी मैडम के पास। अगर मान लीजिए अधिकारी नाराज रहे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए, तो इसमें आप उच्च अधिकारियों से क्या अपील करेंगे? मुझे मतलब मोबाइल के माध्यम से आदेश मिला था कि आज राजस्व सेवा अभियान का शिविर लगा है, लेकिन मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि मतलब आ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आए हैं इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है मुझे, तो अभी तो शायद अभी पता नहीं कि आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनका कोई कंफर्म है कि नहीं, और अभी तक तो पता नहीं है। तो क्या नाम है आपका, आप यहाँ किस पद पे हैं? मेरा नाम लालवंत सिंह है, मैं ग्राम पंचायत सुंदरधार का उपसरपंच हूँ। आज यहाँ कुछ क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज 2 तारीख को जो है तो ग्राम सेवा अभियान के तहत शिविर, राजस्व सेवा अभियान के तहत शिविर लगा हुआ था यहाँ, और आज का जो है तो राजस्व संबंधी जितने भी अधिकारियों का कुछ आना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, समय 2 बज गया समथिंग, और यहाँ पर जनता जितने भी यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर सरपंच उपस्थित हैं और मोबिलाइजर हैं और कुछ पंच हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन अभी तक जो है जिनका आना था, जिनसे काम था राजस्व संबंधित कर्मचारियों का, अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो जैसे अभी जो कुछ लोग आ गए हैं, तो इनके कागज़ वगैरह जो जिस काम से आए हैं, इनके कागज़ वगैरह वापस सब किए जा रहे हैं कि लिए जा रहे हैं? देखिए अभी जो है तो अभी अपने बीच में 2-4 जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म अपन कलेक्ट कर रहे हैं, और हम उन तक पहुंचाएंगे, और ये बात हम आगे तक पहुंचाएंगे कि अगर शिविर रखा गया है, जिन अधिकारियों के यहाँ आना रहा वो क्यों नहीं आया, अभी ना सरपंच को अवगत करा है, ना किसी प्रकार की यहाँ सूचना दी गई है कि आज का मतलब अधिकारी नहीं आ रहे, इसकी सूचना भी आपको नहीं है? किसी प्रकार सूचना नहीं है किसी को, ना सरपंच महोदय का है, ना तो पंचायत में किसी प्रकार का आवेदन होगा। तो अब आगे की क्या कार्रवाई चाहिए जो लोग अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए कर्मचारी? जिस प्रकार से अभी ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, तो हम चाह रहे हैं कि जितनी भी जनताओं का जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की लापरवाही होने कारण ये समस्या वहीं तक सीमित रह जाएगा, मैं जानता हूँ। इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जिनका वास्तव में यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है तो